हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूं तो आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम आसाम राइफल्स और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1230 और इस जॉब के लिए टेंथ पास और ट्वेल्थ पास दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जॉब की वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया है और भी डिटेल्स में जानने के लिए जैसे एलिजिबिलिटी कैसे अप्लाई करना है सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कर देना अगर नहीं किया अभी तक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए क्योंकि जॉब आपको मिल रहा है फ्रॉम आसाम राइफल्स और जो स्टार्टिंग डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का वो है इलेवेंथ सेप्टेम्बर टू और जो लास्ट डेट है फिलअप करने का वो है ट्वेंटी अक्टूबर टू अब देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट मिल रहा है जो पोस्ट है वो है ट्रेड जिसमें ब्रिज एंड रोड है इसके लिए बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा ना सूबेदार का और क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक पास या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग नेक्स्ट है क्लर्क जिसमें बोथ मेल और फीमेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा हवलदार और क्वालिफिकेशन चाहिए पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ थर्टी फाइव पर मिनट फिर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बहुत मेल और फीमेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा वारंट ऑफिसर का और क्वालिफिकेशन चाहिए ट्वेल्थ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर होगा और डिक्टेशन टेन मिनट्स एट्टी वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा फिफ्टी मिनट्स इन इंग्लिश और सिक्सटी फाइव मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर और नेक्स्ट है ट्रेड इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल बस इसमें बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा राइफलमैन का और क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास विथ साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और नेक्स्ट है लाइन मैन फील्ड का इसके लिए बस मेल अप्लाई कर सकता है और इनिशियल रैंक होगा आपका राइफल मैन का क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक इसके लिए भी बस मेल अप्लाई कर सकता है और राइफल मैन स्टार्टिंग पोस्ट है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो टेंथ पास विद रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशन मैकेिक वेकल इसके लिए बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा आपका राइफल मैन का क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट रिपेयर एंड मैकेनिक इसके लिए भी बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा आपका हवलदार का क्वालिफिकेशन चाहिए ट्वेल्थ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉगनाइज इंस्टीट्यूट और नेक्स्ट है व्हीकल मैकेनिक इसके लिए भी बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा राइफल मैन का क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन पास विथ इंग्लिश मैथामेटिक्स एंड साइंस एंड डिप्लोमा और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉगनाइज इंस्टीट्यूट और नेक्स्ट है होल्स्टर इसके लिए भी बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक है राइफल मैन का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है टेंथ पास एंड पोजेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन ग्रेड नेक्स्ट है ट्रेड इलेक्ट्रिशियन इसके लिए बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा राइफलमैन का क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास और प्रोजेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिक ग्रेड और नेक्स्ट स्टेप प्लंबर इसके लिए भी बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा राइफल मैन का और क्वालिफिकेशन है टेंथ पास एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है ट्रेड सर्वेयर इसके लिए भी बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंकिंग होगा हवलदार का क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन सर्वेयर ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है ट्रेड फार्मासिस्ट इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा वारंट ऑफिसर का क्वालिफिकेशन चाहिए ट्वेल्थ पास रिकॉग्नाइड बोर्ड और डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मे फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट है इन रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड नेक्स्ट है वेटरीनरी फील्ड असिस्टेंट इसके लिए बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक होगा वॉरेंट ऑफिसर का ट्वेल्थ पास विद टू इन डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरिनरी साइंस

इसके लिए बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक है राइफ़ल मैन और क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और नेक्स्ट है मेल सफाई इसके लिए बस मेल अप्लाई कर सकता है इनिशियल रैंक है राइफल मैन और क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एज लिमिट है वो एट 18 टू 23 थ्री ईयर्स और वो काउंट होगा फ्रॉम फर्स्ट अगस्त 2021 से और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो टेक्निकल और ट्रेडमेंट से रिक्रूटमेंट रैली होगा स्टार्ट होगा फ्रॉम फर्स्ट दिसंबर 2021 से और जो लोग एनरोल किया है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट अगेंस्ट ट्वेल्व थर्टी वैकेंसीज उन लोग बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिसिव उन लोग आ सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए और अलग अलग स्टेट का हिसाब से वैकेंसीज निकला है तो जो कैंडिडेट जो स्टेट से बिलोंग करता है उन लोग वही स्टेट में अप्लाई कर सकता है अगर उन लोग कोई और स्टेट में अप्लाई किया है तो उन लोग का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा आप देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है दैट इज डब्ल्यू ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और फिर उसके बाद फीस पेमेंट करना है थ्रू एस काउंटर या आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो फिर उसके बाद जो चलान आएगा उसका प्रिंट आउट निकालना है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है क्योंकि वो फ्यूचर में काम आएगा एप्लीकेशन फीस है वो है हंड्रेड फॉर ग्रुप सी पोस्ट एंड टू हंड्रेड रुपीज फॉर ग्रुप बी पोस्ट और जो अकाउंट नंबर आई एफ एस सी कोड सब दिया है नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोग एस टी एस सी से बिलोंग करता है वो लोगों एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना है अब देख लेते हैं लेतेलेक्शन प्रोसेस तो सेलेक्शन प्रोसेस पहले में पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कैंडिडेट्स को रनिंग करवाया जाएगा और लोग डिफरेंट फिजिकल रिलेटेड टेस्ट होगा वो सब आप देख सकते हो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट होगा रिटर्न टेस्ट फिर होगा स्किल टेस्ट फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और जो पे स्केल होगा वो डिसाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स है और जो डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स अगर वो मिसमैच हुआ तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स का और कोई बात सुना नहीं जाएगा और ये था सिलेक्शन प्रोसेस और याद रखना वैकेंसीज है टोटल 1230 और अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज निकला है तो आप डिटेल्स में जाके देख सकते हो अपना आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो उसके लिए कितना वैकेंसीज है तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम असम राइफल्स को इस जॉब के लिए टेंथ पास ट्वेल्थ पास कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपको अर्जेंट जॉब की नीड है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट ऑन जॉब रिक्रूटमेंट